अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो लेक्चर में हम एक ए लेवल्स अकाउंट्स का टॉपिक ब्रीफली देखते हैं, विच इज़ ऑडिटिंग एंड स्टीवर्डशिप। अच्छा, ये टॉपिक जो है वो आपके पास पेपर में एज अ थ्योरी पूछा जाता है। आसान सा टॉपिक है, सिंपल से सवाल होते हैं, ठीक है ना। तो बस कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं और ज़्यादा डिटेल में तो आपको ये टॉपिक नहीं देखना है। पहली चीज़ है स्टीवर्डशिप और इसकी डेफिनेशन, और इसमें लिखा हुआ है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विच मैनेजर्स और डायरेक्टर्स हैव फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज विद इन अ बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स और शेयर होल्डर्स। देखो, अगर मैं एक बिज़नेस की बात करता हूँ ना, एक बिज़नेस की अगर मैं बात करता हूँ, लेट से ये एक बिज़नेस है, तो इस बिज़नेस में कुछ होंगे आपके इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टर्स कहलाएंगे आपके शेयर होल्डर्स। उन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हुए होंगे और पैसे कंपनी में लगाए हुए होंगे, और कुछ लोग होंगे जो कहलाते हैं डायरेक्टर्स या मैनेजर्स, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जो कंपनी को चलाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि पैसे शेयर होल्डर्स के हैं मगर उसको चलाने वाले मैनेजर्स हैं, और मैनेजर्स पर ये जिम्मेदारी है कि वो शेयर होल्डर्स के पैसों को अच्छे से इस्तेमाल करे और बिजनेस को चलाए, राधा दिन कि उसका ख्याल ना रखे। मैनेजर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शेयर होल्डर्स के पैसे उसी तरह यूज़ करे कि जैसे वो उनके अपने पैसे होते, और इसी को हम स्टीवर्डशिप कहते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग है हाउ डायरेक्टर्स कैरी आउट द रोल ऑफ स्टीवर्डशिप विद इन अ लिमिटेड कंपनी। डायरेक्टर्स या मैनेजर्स ये रोल कैसे कैरी आउट करते हैं। द डायरेक्टर्स हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज स्टीवर्ड्स ऑफ द कंपनी टू रिपोर्ट एट द AGM टू द शेयर होल्डर्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, मेंटेन प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेज द बिजनेस एंड सेफगार्ड बिजनेस एसेट्स। ये स्टीवर्डशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी करी जाए। तो पहली बात यह है कि डायरेक्टर्स या मैनेजर्स जो है वो AGM विच इज़ एनुअल जनरल मीटिंग, हर कंपनी की एक साल में एक मीटिंग होती है जिसको हम कहते हैं AGM, एनुअल सालाना जनरल मीटिंग। तो हर साल जो है वो डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में डिटेल में सारी बातें बताते हैं, ठीक है। ये पहला तरीका है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने का। दूसरा है मेंटेन प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि जो मैनेजर्स हैं वो मुकम्मल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का मतलब हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, डेबिट्स, क्रेडिट्स, लेजर्स वगैरह बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, यानी कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितने करंट एसेट्स हैं, कितनी करंट लायबिलिटीज़ हैं, ये काम करना, बिज़नेस को मैनेज करना, अच्छे से चलाना, और कंपनी के एसेट्स को सेफगार्ड करना, यानी कि चोरी ना होने देना, मिसयूज़ ना होने देना, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है। ये सारे काम भी किसके हैं, ये सारे काम भी मैनेजर्स के हैं। तो अगर सवाल आपसे ये पूछता है कि डायरेक्टर्स अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे पूरी करते हैं, तो आप उसमें ये वाले पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अगला है रोल ऑफ एन ऑडिटर। अब जनाब, ये ऑडिटर कौन है? देखो, शेयर होल्डर्स वो लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया, मैनेजर्स वो हैं जो कंपनी चला रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, अब लेट से मैनेजर्स ने बोला भाई इस साल का प्रॉफिट जो है ना वो 5 मिलियन है, मार्केट से काफी ज्यादा दिखाया। शेयर होल्डर्स खुश हो गए, वाह यार हमारे मैनेजर्स तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से कंपनी चलाते हैं, लेकिन ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है ये किसने कैलकुलेट किया होगा,
ये मैनेजर्स ने खुद कैलकुलेट किया होगा, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाती है। वो इसमें हेरा फेरी भी कर सकते हैं, इसमें गलत चीज़ें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो होता ऐसा है कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो एक एक्सटर्नल पार्टी को अपॉइंट करते हैं, एक्सटर्नल पार्टी को अपॉइंट करते हैं जिसको कहा जाता है ऑडिटर्स, और इन ऑडिटर्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये चेक करें कि जो कंपनी के रिकॉर्ड्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या दीगर जितनी भी चीज़ें हैं, वो सही बनी हुई हैं या नहीं, उनमें कोई मसले मसाइल प्रॉब्लम्स इश्यूज तो नहीं हैं, उनमें कोई चीज़ गलत रिकॉर्ड तो नहीं हुई हुई है, कोई फ्रॉड या कोई एरर तो नहीं है, कोई फ्रॉड या कोई एरर तो नहीं है, गलती से हो सकता है कि गलत प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया हो या फ्रॉड करना चाह रहे हो मैनेजर्स, ऐसा तो नहीं है। तो ये ऑडिटर्स एक्सटर्नल लोग होते हैं जो शेयर होल्डर्स हायर करते हैं, इनको पैसे देते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारे कंपनी जो है ना वो एक्स वाई जेड मैनेजर्स चला रहे हैं, आप ये चेक कर कर दो कि ये जो बात कह रहे हैं कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया, ये बात सही है या नहीं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि इसमें क्या पॉइंट्स है। दे आर अपॉइंटेड टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट चेक ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए अपॉइंट होते हैं। दे आर सपोज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ लिमिटेड कंपनी, और ये अपना एक ओपिनियन देते हैं कि हाँ भाई सब चीज़ें सही हैं, कोई मसला नहीं है, ट्रू एंड फेयर है, या अगर मसला हो तो बताते हैं कि भाई यहाँ यहाँ हमें मसला लग रहा है। दे कैरी आउट अ चेक टू इंश्योर दैट द डायरेक्टर्स हैव एक्टेड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, और जो डायरेक्टर्स या मैनेजर्स हैं उन्होंने शेयर होल्डर्स के हिसाब से एक्ट किया या नहीं, उनके पैसे अपने समझ के ही इन्वेस्ट करे या नहीं, कोई मसले मसाइल तो नहीं करे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगली हेडिंग है पर्पज ऑफ एन एंड ऑफ ईयर ऑडिट। हर साल के आखिर में कंपनी अपने ऑडिट करवाती है, उसका क्या पर्पज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल साल 2010 है, पहली जनवरी 2010 से लेकर 31 दिसंबर 2010 तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना। अब साल के ख़त्म होने पर एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये पूरे साल के जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना हुआ है, इसको आप चेक करो कि ये सही है या नहीं है। ये एंड ऑफ द ईयर ऑडिट का काम होता है, ठीक है। एक और चीज़ लिखी हुई है, वो लिखी हुई है इट इज़ कैरिड आउट टू असर्टेन हाउ फार द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस एंड कंप्लाई विद IAS एंड कंपनीज एक्ट, comply with IAS and Companies Act, comply with IAS which is International Accounting Standards and Companies Act। Auditors ये भी check करते हैं कि जो financial statements बने हुए हैं क्या वो IAS यानी कि International Accounting Standards के हिसाब से बने हुए हैं या नहीं। For example, International Accounting Standards ने ये कहा हुआ है कि भाई non-current assets में fixtures and fittings होंगी तो वो non-current assets हैं, ऐसे तो नहीं है कि कंपनी ने उसको करंट एसेट्स में लिखा हुआ, या इस तरह की दूसरी रिक्वायरमेंट्स। एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, ये पूरी एक्सरसाइज का फायदा क्या होता है, ऑडिट करवाने का आखिर फायदा क्या होता है। इंक्रीजेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ अकाउंट्स, एक इंडिविजुअल पार्टी ने चेक किया हुआ होता है तो मुझे एज अ शेयर होल्डर पता है कि उसमें गलती नहीं होगी। हेल्पफुल इफ अ कंपनी वॉन्ट्स टू ऑब्टेन बैंक लोन, अगर मुझे बैंक से लोन चाहिए होता है तो बैंक बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवा कर हमें सबमिट करो। एक इंडिविजुअल बंदे से चेक करवाओ कि जो प्रॉफिट लिखा हुआ है वो सही है, जो दूसरी चीज़ें लिखी हुई आ रही वो सारी सही हैं या नहीं, फिर हम लोन देंगे। थर्ड है हेल्प्स आइडेंटिफाई वीकनेसेस इन दी इंटरनल प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स, कोई इंटरनल अगर रिकॉर्डिंग में अकाउंटिंग में मसला है तो वो ऑडिटर्स आपको एड्रेस कर कर बता देते हैं कि भाई ये मसले हैं। इसके साथ साथ ऑडिट के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेजेस है हाई ऑडिट कॉस्ट, जाहिर है आप एक बंदे को एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करोगे ऑडिट करने के लिए तो वो आपसे ऑडिट की फीस लेगा।
ड्यूरिंग एन ऑडिट द ऑडिटर रिक्वायर्स द अटेंशन ऑफ सेवरल स्टाफ एंड देयरफॉर कॉजेस डिसरप्शन. आपके काम में डिस्ट्रप्शंस होंगी. किस तरह से डिस्ट्रप्शंस होंगी? जब वो ऑडिट कर रहा होगा यानी कि चीज़ें चेक कर रहा होगा तो स्टाफ मेंबर से कभी बोलेगा मुझे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दिखाओ, कभी बोलेगा मुझे इनकम दिखाओ, कभी बोलेगा कि मुझे सेल्स की वैल्यू चेक करवाओ कि सही है या नहीं. तो आपका जो काम है रूटीन वो डिस्टर्ब होगा. ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट अश्योरेंस. ये बात याद रहे कि ऑडिटर जब सारी चीज़ें चेक करता है ना तो वो ये कह देता है कि भाई हमारे हिसाब से हमें कोई गलती नज़र नहीं आई. एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता, रीजनेबल अश्योरेंस देता. रीजनेबल अश्योरेंस और एब्सोल्यूट अश्योरेंस में फ़र्क ये है कि ऑडिटर चीज़ें चेक कर कर, फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने सेल्स रेवेन्यू चेक किया, सेल्स रेवेन्यू चेक कर कर वो ये कह देगा कि यार मेरे हिसाब से सेल्स रेवेन्यू में कोई गलती मुझे नज़र नहीं आई है जो जो चीज़ें मैंने चेक करी. लेकिन ऐसा नहीं कहता कि 100% ये सेल्स रेवेन्यू सही है, मैं एक एक चीज़ चेक कर चुका हूँ. जाहिर सी बात है पूरे साल की ट्रांजेक्शन्स को उसे एक दो तीन दिन में अगर चेक करना है तो वो सैम्पल बेसिस पर चीज़ें चेक करेगा. तो एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे पाता ऑडिटर. ठीक है. अच्छा अगला है, व्हाई इज ऑडिट रिपोर्ट एड्रेस टू द कंपनी शेयर होल्डर्स एंड नॉट इट्स डायरेक्टर्स. यानी कि जो ऑडिट रिपोर्ट होती है, जब ऑडिट हो जाता है ना तो ऑडिटर्स एक रिपोर्ट देते हैं. जब ऑडिट हो जाता है, ऑडिट होने के बाद ऑडिटर्स जो है वो एक रिपोर्ट देते हैं, एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं कि हाँ भाई ये सही है, ये सही है, कोई मसला नहीं है. अब इसमें वो ये कहता है कि ये शेयर होल्डर्स को क्यों एड्रेस करी हुई होती है, यानी कि ये शेयर होल्डर्स को क्यों लिखी जाती है, डायरेक्टर्स को क्यों नहीं लिखी जाती. दो लोग थे ना, एक तो हमारे शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स थे और एक डायरेक्टर्स या मैनेजर्स थे. तो लिखा हुआ है दे आर अपॉइंटेड बाई शेयर होल्डर्स नॉट डायरेक्टर्स, द ऑडिटर इज अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर्स. ऑडिटर्स को अपॉइंट करता है या काम पर रखता है शेयर होल्डर. शेयर होल्डर कहता है डायरेक्टर ने जो जो मुझे बताया है वो सही है या नहीं तुम चेक कर कर बताओ. तो जाहिर है अगर उसको शेयर होल्डर अपॉइंट करता है तो वो शेयर होल्डर को ही जवाब देगा. ठीक है. अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसमें क्या बातें लिखी हुई होती हैं, क्या बातें नहीं लिखी हुई होती हैं. अ रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स, ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो शेयर होल्डर्स को लिखी जाती है. प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन, एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट अलग बंदा होता है ऑडिटर, वो लिखता है. प्रिपेयर्ड बाय अ सूटेबली क्वालिफाइड पर्सन, ये क्वालिफाइड होता है, CA ACCA होता है. प्रिपेयर्ड फॉलोइंग एन इंस्पेक्शन ऑफ द कंपनीज बुक्स, कंपनी की सारी बुक्स को, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख कर उसके बाद लिखी जाती है. Contains the auditor's stated opinion as to whether the financial statements give a true and fair view. और इसमें ये बताया जाता है कि क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं, सही हैं या नहीं. ठीक है. इसके बाद है ड्यूटीज विच द ऑडिटर वुड कैरी आउट ड्यूरिंग एन ऑडिट. ऑडिट के दौरान एक ऑडिटर क्या क्या करेगा? चेकिंग फाइनेंशियल डेटा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखेगा, एग्जामिनिंग अकाउंट्स, वही बात हो गई. अटेंड स्टॉक काउंट्स. स्टॉक काउंट्स क्या होते हैं? कंपनी की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक. कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 500, तो ये जाकर फिजिकली देखेगा कि ये चीज़ें पड़ी नहीं है या नहीं. रिव्यू एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि ऐसा तो नहीं है कंपनी ने 1+1=3 लिखा हुआ. प्रोड्यूस ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट बनाकर देगा. कमेंट ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू, बताएगा कि सब सही है या नहीं. इंश्योर दैट कंपनीज डायरेक्टर्स कंप्लाई विद IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंपनी लॉ. ठीक है. अगला है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट. क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो रिपोर्ट है ना उसमें कोई मसला है. और इसमें लिखा हुआ है क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड व्हेन देयर इज अ मिस स्टेटमेंट, यानी कि कोई गलती हो, इन अ बैलेंस शीट, और व्हेन द ऑडिटर इज अनएबल टू गैदर एविडेंस टू रिपोर्ट ट्रूथफुली ऑन अ बैलेंस. क्वालिफाइड रिपोर्ट तब दी जाती है जब बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कोई मसला हो, कोई मिस स्टेटमेंट हो, कोई गलती हो, या ऑडिटर के पास इतने सबूत ही नहीं आए जिससे वो ये देख सके कि कोई चीज़ जो है वो सही है या सही नहीं है. इट सिग्नल्स दैट दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट इन द ओपिनियन ऑफ द एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट एग्जामिनर. ये चीज़ का सिग्नल होता है कि कोई गड़बड़ है. दिस में पुट पोटेंशियल शेयर होल्डर्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस.
और इसकी वजह से हो सकता है कि शेयर होल्डर्स जो है वो उन्होंने जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करी भी थी वो उससे सारे पैसे विदड्रॉ कर ले कि यार इस कंपनी में तो कोई मसला नजर आ रहा है। लास्ट ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है? इट मीन्स दैट स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मिस स्टेटमेंट्स एंड फेथफुली रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजिशन ऑफ द कंपनी। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब यह है कि सारी चीजें सही हैं, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है और कोई गलती रिकॉर्ड्स में मौजूद नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जो आपने जो है वो एक बार वापस से वीडियो देखकर और याद करनी होंगी। ये थियोरेटिकल एक टॉपिक है छोटा सा और इसके सारे पास पेपर्स आपने करने होंगे। बहुत शुक्रिया।